गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज का बहुत सारे अनुरोध आने लगे, बहुत सारा हमसे रिक्वेस्ट आने लगा कि सर आप ट्वेल्थ को पढ़ा रहे हैं, बीएससी को पढ़ा रहे हैं, टेंथ वाला और एलेवेंथ वाला पर कोई ध्यान नहीं है। और बिहार बोर्ड के बच्चों ने हमसे रिक्वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया। तो हमने बोला कि देखो बाबू, हम हिंदी मीडियम में तो बहुत नहीं पढ़ा पाते हैं, लेकिन आप लोगों को अनुरोध का हम स्वागत करते हैं और हिंदी मीडियम में भी आपको हम वीडियो बनाएंगे और आपके तक हम पहुंचाएंगे। तो मैंने वादा कर लिया था, इस वजह से हमको टेंथ वाले बच्चों पर बहुत ज़्यादा फोकस देना है, क्योंकि उन लोग का बोर्ड का एग्ज़ाम है और उन लोग कैसे एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाएगा तभी तो फिर वो आगे की पढ़ाई पढ़ पाएगा। इसीलिए मैंने टेंथ का भी वीडियो बनाने का फैसला लिया और टेंथ का वीडियो भी आप लोगों को हम बना के भेज रहे हैं। तो देखिए, ये जो है क्लास टेंथ और एलेवेंथ है। आज की जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं वो समांतर श्रेणी है, ये एलेवेंथ में भी पढ़ना है और ट्वेल्थ में भी पढ़ना है। टेंथ में भी पढ़ना है और एलेवेंथ में भी पढ़ना है। तो समांतर श्रेणी को श्रेणी भी कहते हैं। तो किसी किसी बुक में समांतर श्रेणी लिख दिया है, किसी किसी बुक में समांतर श्रेणी लिख दिया है। और इसका जो इंग्लिश होता है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, इसलिए शॉर्टकट में इसको एपी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए कहते किसको है समांतर श्रेणी, उसके बारे में मैंने लिखा है कि समांतर श्रेणी है क्या। जब किसी श्रेणी के दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। और इसको स्पष्ट करने के लिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, यह अंतर हमेशा अगला पद से ठीक पिछला पद को घटाने से प्राप्त होता है। मतलब कि T2 में से T1 को घटाइएगा तभी जाके सार्व अंतर आपको प्राप्त होता है। तो प्राप्त होता है और उसे हम लोग क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। समझे, जो घटाने से जो प्राप्त होगा उसको क्या बोलेंगे, सार्व अंतर बोलेंगे। जिसे स्मॉल डी से सूचित किया जाता है, जिसको छोटा डी जो है ना उसी से सूचित करते हैं। स्मॉल डी लिख दीजिएगा, समझिए कि सार्व अंतर लिखा गया। इसके लिए मैंने और भी स्पष्ट किया, अर्थात T2 माइनस T1 मत कीजिएगा, T2 माइनस T1 मैंने अगला पद के जस्ट पिछला पद में से घटाने के लिए बोल रहा हूं। तो T2 माइनस T1 इजकल टू D, T3 माइनस T2 इजकल टू D, T4 माइनस T3 इजकल टू D। अगर ऐसी प्रक्रियाएं जिस श्रेणी को सूचित करेगा, जिस श्रेणी में आएगा, उसे आप कहिएगा कि वो समांतर श्रेणी में है। अगर यहां मान लीजिए कि मिल गया D और यहां पे मिल गया आपका D1, मतलब कि अलग अलग अंतर मिलने लगा किसी कारणवश, किसी श्रेणी से अलग अलग अंतर मिलने लगा, तो वो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। हमको ये समांतर श्रेणी की पहचान हुई कि जिसमें अंतर समान होगा और वह फॉर्म चलेगा T2 माइनस T1 T3 माइनस T2, और उस स्थिति में अंतर सबके बीच बराबर होगा तभी वो समांतर श्रेणी होगा। समांतर, देखिए इसका मीनिंग समझिए, समान अंतर, समानांतर का मैंने डिफिनीशन लिखा है, समांतर का संधि विच्छेद किया तो समान जोड़ अंतर, समान अंतर वाले को समांतर श्रेणी कहेंगे। सबके बीच का अंतर क्या हो, समान हो, अंतर समान तो समांतर। देखिए अंतर समान, अंतर समान, अंतर समान, तो क्या बन गया, समांतर। अगर ऐसा अंतर समान नहीं आएगा तो समांतर नहीं होगा। अब उसका मैंने लिखा, इस श्रेणी के प्रथम पद को ए लिखेंगे, प्रथम पद जो मिलेगा उसको आप ए लिख दीजिएगा, और दूसरा आप एनमा पद को टीएन द्वारा सूचित किया जाता है, एनमा पद को टीएन द्वारा सूचित किया जाता है, कहीं कहीं टीएन को एएन भी लिख दिया गया है, समझे, और एएन, टीएन भी लिख सकते हैं और एएन भी लिख सकते हैं, दोनों आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, 2, 4, 6, 8 मैंने ले लिया डॉट डॉट, अब हमको खोजना है कि यह एपी में है कि नहीं है। घटा घटा के देखो बाबू, 4 घटा 2, 2, 6 घटा 4, 2, 8 घटा 6, कितना आया, 2 आया, सबका अंतर बराबर आया, अंतर बराबर हुआ इसलिए समांतर श्रेणी हुआ, इसलिए मैंने लिख दिया इस श्रेणी का अंतर हमेशा 2 है। देखिए हमेशा कितना है, 2 है, 2 मिल रहा है, अतः यह श्रेणी किस में है, समांतर श्रेणी में है। तो अब रह गई, तो ए तो खोजा गया, डी भी खोजा गया, सर अब एनमा पद मतलब टी एन और ए एन नहीं खोजाया,
तो टी एन और ए एन को खोजने के लिए मैंने क्या लिखा है वो देख लीजिए। समांतर श्रेणी के एनमा पद ज्ञात करें, यही पद हमको ज्ञात करना है। तो मैंने मान लिया है कि माना कि प्रथम पद ए सार्व अंतर डी है तो समांतर श्रेणी होगा। क्या समांतर श्रेणी होगा? ए प्रथम पद हुआ, अब फर्स्ट टर्म में डी को जोड़ दीजिए। यहां पर देखिए डी निकला है ना दू, इसमें जोड़िए दू, दू दू कितना हुआ चार, फिर चार में दू जोड़िए कितना होगा छह। तो हम क्या देख रहे हैं, जोड़ने से समांतर श्रेणी प्राप्त होता है। प्रथम पद में आप जो डी को जोड़ दीजिएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, समांतर श्रेणी। तब प्रथम पद ए है तो ए में डी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। फिर ई डी में डी जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, टू डी, टू डी में डी जोड़िएगा तो थ्री डी, थ्री डी में डी जोड़िएगा तो फोर डी। तो ऐसा प्रक्रिया आ गया, इसीलिए क्या बन गया, समांतर श्रेणी बन गया। अब इस समांतर श्रेणी से आपको एनमा पद निकाल के अभी हम एक मिनट में दिखा देते हैं। तो देखिए बाबू यहां पर T1 है, देखिए T1 इक्वल टू A लिखे हुए थे, T2 इक्वल टू A वाला लिखे हुए थे सब। T1 इक्वल टू कितना है, T1 इक्वल टू A है, T2 इक्वल टू देखिए A प्लस D है, T3 इक्वल टू A प्लस 2D है, T4 इक्वल टू A प्लस 3D है। इसमें गौर करने की चीज है कि अगर यहां पे 2 लिखे हो तो D के संख्या कै गो हुआ, एक। यहां 3 लिखे हो तो D के संख्या कितना हुआ, दो। मतलब जितना है उससे एक डी कम, तो चार है तो देखिए तीन। अब इस तरीके से अगर हम टी सौ लिख देंगे तो क्या लिखेंगे, ए प्लस, यहाँ चार था तो कितना लिखेंगे तीन, यहाँ सौ है तो कितना लिखेंगे, निन्यानवे डी। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते अगर टी पी कर देते हैं तो क्या लिखेंगे, ए प्लस, सौ में से एक घट तो नहीं ना लिखे, लेकिन पी में से तो एक घटेगा नहीं, इसीलिए यहाँ पर पी माइनस वन इंटू डी लिख दीजिएगा। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते हमको खोजना क्या है, टी एन, तो टी एन लिखेगा तो क्या लिखेगा, ए प्लस, पी था तो पी माइनस वन है, एन है तो क्या लिखेंगे, बोलिए एन माइनस वन इंटू डी, वेरी गुड। और ये आपका ए पी के एनमा पद का ये फॉर्मूला हो गया। इसी टी एन को क्या लिखते हो लोग, ए एन भी लिखता है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ए एन लिखा रहे चाहे टी एन लिखा रहे टेंशन नहीं लेना है। और इसी को बोलेंगे आपका जो निकला ये फॉर्मूला एनमा पद निकला, किसका, समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का एनवा पद। और ये समांतर श्रेणी के एनवा पद का क्या निकला, सूत्र निकल गया। और इसी पे हम लोग किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। एग्जाम्पल आपको हम दिखा देते हैं, मान लीजिए कि हम लिखते हैं दो चार छ आठ डॉट डॉट डॉट, दूसरा लिखते हैं तीन छ नौ बारह डॉट डॉट डॉट, तीसरा लिखते हैं चार छ आठ दस डॉट डॉट डॉट। अब इसका क्या निकालना है, इन सभी का एनमा पद ज्ञात करें, है ना, कहेगा कि एनवा पद ज्ञात करें, या एनवा की जगह पर यहाँ दसवा कर दीजिए, दसवा पद ज्ञात करें। क्वेश्चन हो गया आपका कि दसवा पद ज्ञात करें, इसका क्या वा पद है, दसवा पद। तो अब बताइए पहला क्वेश्चन का ए बराबर कितना है, दो, डी बराबर कितना है, चार माइनस दू बराबर दू। तो दसवा पद, एनमा पद को हम टी एन लिखते हैं, दसवा पद को क्या लिखेंगे, टी दस लिखेंगे। और टी दस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस, दस रहता है तो एक घटा के लिखते हैं, दस माइनस वन इंटू डी, यानी कि ए प्लस नाइन डी। और ए के जगह पर कितना लिखा हुआ है, ए के जगह पर देखिए दू है, नाइन इंटू डी के जगह पर कितना आया है, दू आया, तो दू प्लस अठारह इजिकल टू बीस, और ये आपका आंसर। तो उसी तरीके से आप दूसरा और तीसरा ही बना सकते हैं, चौथा ही बना सकते हैं, जो आपको क्वेश्चन रहेगा आपका बन जाएगा। आज यहीं तक, फिर हम अगले वीडियो में आपको इसके बारे में और विस्तार पूर्वक बताएंगे। आज इतना पर प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है, ओके, धन्यवाद। खूब पढ़िए, खूब मन लगाइए और खूब आगे बढ़िए, और दसवां के सिलेबस को अगर पढ़ने पर आप आ जाइएगा तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको अगर लगेगा
तो एक महीना 30 दिन में मैं पूरे मैथ्स को समाप्त कर दूंगा। 30 डेज, ओनली 30 डेज में आपका पूरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और आपसे मेरा वादा है कि हम 30 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।